वो मजा आने के बाद भी तो प्रॉब्लम खड़ा करते हैं ये लोग, मेरा पैसेंजर कल बोलता है सामान गुम हो गया है, इसका रिस्क कौन लेगा? ये अपना रिस्क खुद इनको लेना चाहिए, हम लोग को ऊपर छोड़ता है। बुक करवाना चाहिए, बुक करवाना चाहिए, अपना सामान को डिपॉजिट रखना चाहिए। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मैं आदर्श मिश्रा स्वागत करता हूं मेरे चैनल एस रेड आई पर। आज मैं दिल्ली जाने वाला हूं। मैं अभी हूं अरुणाचल प्रदेश, तो यहां से मुझे जाना है वापस दिल्ली। मैं आया था अपने फैमिली से मिलने, सो देखते हैं मेरा सफ़र कैसा रहता है। तो भैया ये है मेरा बैग, ये है मेरा कैमरा का बैग, और वो है मम्मी का प्यार। ठीक है, तो भैया मैं जाने वाला हूँ तिनसुकिया, तो इसी गाड़ी से जाऊँगा मैं। इसका नाम है विंगर, विंगर से जाऊँगा मैं तिनसुकिया। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा, और मम्मी थोड़ी इमोशनल हो चुकी हैं तो उनको मनाना पड़ेगा। 2 hours later हम यहाँ बहुत देर से खड़े हैं और ड्राइवर का कुछ पता ही नहीं कहाँ है, तो वेट करते करते थक गए। मम्मी और इमोशनल होते जा रही है और मैं भी मन नहीं कर रहा जाने का। Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on, come on with me baby. Baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out sweet as a heart. Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out to you. मैं पहुंच चुका हूँ तिनसुकिया, तो अब मुझे यहाँ से जाना है रेलवे स्टेशन, तो मैं यहाँ से ऑटो लेने वाला हूँ, तो चलते हैं रेलवे स्टेशन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं न्यू तिनसुकिया जंक्शन। एक मिनट, ये क्या है? चलो ठीक है, बनाते हैं बी रोल इसका और देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, अभी स्टेशन में ट्रेन आने में बहुत टाइम है। अभी ट्रेन है 8:30 और अभी बज चुके हैं, कितने बज चुके हैं एक मिनट देखता हूँ मैं। नहीं दिख रहा है क्या? 4:43 और मेरी ट्रेन है 8:30, तो अभी टाइम है बहुत, तो मैं देखूंगा, यूट्यूब चलाऊंगा, उसके बाद क्या करेंगे, मूवी देखूंगा, उसके बाद ट्रेन आएगी, उसके बाद बैठूंगा, उसके बाद खाऊंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। ठीक है, एवरी
बैठे हुए हैं वेटिंग रूम पे, बोर हो रहे हैं। मेरी ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस, और अब मैं जाऊंगा। मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है, तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। हाँ चलो। ऐसा रिवर है जो मेल है और इसमें 27 ब्रिजेस लगे हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, और जब मैं छोटा था तो यहाँ से जाते थे ना, तो 1 रुपए के सिक्के डालते थे, मतलब पता नहीं क्यों डालते थे पर डालते थे। भाई अगर सफ़र में जा रहे हो ना तो 4 रास्ते हैं जिससे तुम बोर नहीं हो सकते। ठीक है, पहला ये, या तो अपने फ्रेंड्स को लेके जाओ, अभी यार ये क्या है। हाँ, दूसरा ये कि ठीक है अकेले जा रहे हो ना तो जहाँ यात्री मिले ना उनको अपना दोस्त बना लो। ठीक है, ये भी नहीं हो पाता। तीसरा ये है कि आप मूवीज़ डाउनलोड कर लो और देखते हुए जाओ, सही है। ये भी नहीं, तो चौथा ऑप्शन ये है, सोते रहो और पहुंच जाओगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो सही आइडिया ना। अब क्या करो यार, बोर हो रहा हूँ, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं आया। मैं बताऊँ, मैं कैमरा पे ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है, और माइक का जो पिन होता है वो मैंने कैमरा में लगाया ही नहीं था, तो इतना बोला सारा कुछ बेकार हो गया, वापस बोलना पड़ रहा है। सबसे बोरिंग काम जो लगता है वो मैं करने जा रहा हूँ, यानी ये पढ़ने, न्यूज़पेपर पढ़ने। क्या करें, अकेले सफ़र में हम बोर हो रहे हैं और हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा।
एक तो ये साइड वाला ना स्क्रीन डिस्टर्ब करता है मुझे, इसमें देखो ये इसमें देखो, चलो कोई ना, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ ठीक है। फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, बहुत देर से वेट कर रहा था, खा लेता हूँ उसके बाद देखते हैं ठीक है। Baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Baby baby don't be cold, I will warm you. Every day I reach out to you as a heart. हाँ जी, मैं पहुंच चुका हूँ न्यू बोगाई गाँव, औसम आसाम। देखिए ये पैसेंजर जो है अपना सामान का बाहर में एकदम ऐसे फेंक देता है और उसके बाद गेट जाम कर देता है, गेट में आने के लिए दूसरा पैसेंजर को मुश्किल खड़े करता है और अपना सामान का सुरक्षा खुद नहीं करता है, सामान अपना गैलरी में डाल के अपने फ्री ऑफ माइंड होके सीट पे बैठ जाता है। तो इनका कहना ये है कि ये सामान है तो ये सामान से आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो हमें कृपया देख के ये सब करना चाहिए। एक सामान हो तो चलेगा, इतने सारे सामान लोगों को बहुत तकलीफ होती है आने जाने में, तो कृपया जो देख रहे हैं और जो ऐसा करते हो ना करे ठीक है। घूम हो जाने के बाद भी तो प्रॉब्लम खड़ा करते हैं ये लोग, मेरा पैसेंजर फिर कल बोलता है सामान गुम हो गया है, इसका रिस्क कौन लेगा, ये अपना रिस्क खुद इनको लेना चाहिए, हम लोग को ऊपर छोड़ता है। बुक करवाना चाहिए, अपना सामान को हिफाजत रखना चाहिए।